दोस्तों आज स्टोरी सुनते हैं यक्ष और पांडवों की, कैसे यक्ष ने 5 पांडवों में से 4 पांडवों को मार दिया था। आगे बढ़ने से पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एक बार पांडवों को जंगल में प्यास लगी तो युधिष्ठिर महाराज ने सहदेव को पानी लाने के लिए भेजा। वहीं पास में सहदेव को झील मिल गई। जैसे सहदेव ने पानी पीने के लिए झील में हाथ डाले, एक आकाशवाणी हुई कि ये मेरी झील है, अगर मेरी बिना इच्छा के तुम पानी पियोगे तो तभी तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। सहदेव ने उसको इग्नोर किया, पानी पिया और वहीं मर गया। सहदेव के वापस न आने पर युधिष्ठिर महाराज ने नकुल को भेजा। नकुल ने भी सेम किया, इग्नोर किया और वहीं मर गया। फिर भीम और अर्जुन को भेजा तो उन्होंने भी परमिशन नहीं ली और सीधा पानी पी लिया और वो भी मर गए। फिर वहां युधिष्ठिर महाराज पहुंचे। जब युधिष्ठिर झील के पास पहुंचे तो उन्होंने चारों भाइयों को वहां मरा हुआ देखा। झील में दोबारा आकाशवाणी हुई कि मेरी बिना परमिशन के अगर कोई पानी पिएगा तो वो मर जाएगा, ये मेरी झील है। तो युधिष्ठिर ने पूछा कि परमिशन के लिए क्या करना पड़ेगा। तो दोबारा आकाशवाणी हुई कि मैं यक्ष हूँ, अगर तुम मेरे सारे क्वेश्चन का आंसर दे देते हो तुम ये पानी पी। युधिष्ठिर महाराज ने अपनी सूझबूझ से सभी क्वेश्चनों के आंसर दे। फिर वो यक्ष अपने असली रूप में आया। ये और कोई नहीं, यमराज थे, युधिष्ठिर के पिता। तो उन्होंने किसी एक भाई को जीवित करने के लिए कहा। तो युधिष्ठिर ने नकुल का नाम लिया और कहा कि कुंती माता का एक पुत्र मैं जीवित हूँ, मैं चाहता हूँ माद्री माता का भी एक पुत्र जीवित हो। इसलिए ये सुनकर यमराज जी इतना खुश हुए कि उन्होंने चारों के चारों भाइयों को जिंदा कर दिया। आपको कैसे लगी स्टोरी और आगे आप कौन सी स्टोरी सुनना चाहते हैं प्लीज कमेंट कीजिए। और चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। हरे कृष्णा।